Hello friends, welcome to MA classes. In this video we discuss partial differential equation. हम लोग आज partial differential equation देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग start करते हैं definition से. क्या definition है partial differential equation? तो firstly we see the definition of partial differential equation. An equation containing one or more partial derivative of an unknown functions of two or more independent variables is called a partial differential equation. ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हम लोग कोई एक फंक्शन ले रहे हैं जो दो या दो से अधिक वेरिएबल का हो सकता है, मोर देन टू वेरिएबल्स भी हो सकता है. सपोज करते हैं कि z इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y. अब इसका हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेल z डिवाइडेड बाय डेल x, डेल z डिवाइडेड बाय डेल y, इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. हम लोग इसको दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. तो डेल 2z डिवाइडेड बाय डेल x स्क्वायर लिखते हैं. यहां पर z को हम लोग दो बार डिफरेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में. डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई, मतलब जेड को एक बार वाई के रिस्पेक्ट में और एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है. डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर, मींस जेड को यहां पर हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट किए. तो ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ. ये तीनों जो है वो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है. हम लोग थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं. तो ये जेड जो है इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, और x और y ये दोनों को कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल. x y बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड z इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है. डिपेंडेंट वेरिएबल z है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में. ये दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है या एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दो बार है. तो जरा ध्यान दीजिए, कोई एक ऐसा इक्वेशन लेते हैं जिसमें वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड, उसमें उस इक्वेशन में एक या एक से अधिक पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन करे ऑफ एन अननोन फंक्शंस ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये अननोन वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, अननोन फंक्शन हो गया ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. तो वैसा फंक्शन को हम लोग कहते हैं, वैसे इक्वेशन को कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे हम लोग देखिए इक्वेशन बनाते हैं, हम लोग ऐसा इक्वेशन जिसमें से ये सभी पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड हो, ये सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का इंक्लूड हो. जैसे एक इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, एक्स डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू जीरो. दिस इज एन इक्वेशन एंड कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे आप ये देखिए, एक्स स्क्वायर डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स. दिस इज ऑल्सो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इस इक्वेशन में ये पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड है, पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन कर रहा है ये इक्वेशन, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें इंक्लूड है. आप ये देखिए, एक्स क्यू प्लस डेल क्यू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स क्यू प्लस टू एक्स डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स. दिस इज ऑल्सो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड हो, पार्शियल डेरिवेटिव चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकेंड ऑर्डर का हो या किसी भी ऑर्डर का हो, अगर पार्शियल डेरिवेटिव उसमें इंक्लूड है तो वैसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. देखते हैं ऑर्डर ऑफ ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? आप देखिए, द ऑर्डर ऑफ ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का
पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड होगा उसी के ऑर्डर को हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझिए इसको, डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू जेड डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। सपोज करते हैं एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में दो पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव इंक्लूड है, एक डेल जेड बाय डेल एक्स और एक डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। इसका ऑर्डर, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है और इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसी के ऑर्डर को हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहेंगे। एंड इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, कारण दो डेरिवेटिव जिसमें से एक फर्स्ट ऑर्डर का एक सेकेंड ऑर्डर का, हाईएस्ट ऑर्डर का ये डेरिवेटिव है, इसी के ऑर्डर को हम लोग कहेंगे ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज करते हैं डेल क्यू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स क्यू प्लस टू डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0। आप इसमें देखिए कि यहां पर तीन डेरिवेटिव इंक्लूड है, एक फर्स्ट ऑर्डर का, एक सेकेंड ऑर्डर का और एक थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव इंक्लूड है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का ये डेरिवेटिव हुआ, इसी के ऑर्डर को हम लोग कहेंगे हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर के ऑर्डर को हम लोग, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसके ऑर्डर को हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहेंगे। एंड इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, 3। एक तीसरा एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं, डेल क्यू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस टू एक्स डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। आप इसमें देखिए कि तीन दो डेरिवेटिव इंक्लूड है, एक सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है और एक थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया, इसी के ऑर्डर को हम लोग कहेंगे ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इंक्लूड होगा उसी के ऑर्डर को ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको देखने के पहले आप जरा ये एक चीज देखिए, जैसे डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 प्लस टू डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू 0। सपोज कीजिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें दो डेरिवेटिव इंक्लूड है, फर्स्ट ऑर्डर का और सेकेंड ऑर्डर का दो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड है। इस पार्शियल डेरिवेटिव का ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम लोग डिग्री कहेंगे, इस पार्शियल डेरिवेटिव का ये डिग्री कहलाता है, 3 इस पार्शियल डेरिवेटिव का डिग्री होगी। अब देखिए डिफिनेशन क्या है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। पार्शियल डेरिवेटिव जो है, जैसे ये पार्शियल डेरिवेटिव थर्ड डिग्री का यहां पर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव का डिग्री 1 होना चाहिए। और अगर कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए यहां पर जेड है इज इक्वल टू 0, तो जेड का भी पावर जो है वो मोर देन 1 नहीं होना चाहिए, इसका भी डिग्री 1 ही होना चाहिए, और कोई भी डेरिवेटिव जो है उसका भी डिग्री 1 होना चाहिए, तब इसको हम लोग कहेंगे लीनियर। एक और चीज का ध्यान दीजिएगा कि इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री, प्रत्येक डेरिवेटिव जो भी इसमें इंक्लूड है और डिपेंडेंट वेरिएबल जेड, ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंक्लूड है उस सभी का डिग्री 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। एंड और एक और चीज है, एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टूगेदर, और ये सभी मल्टीप्लाइड में भी नहीं होना चाहिए, जैसे आप यहां जेड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये लीनियर नहीं कहलाएगा, जेड यानी कि डिपेंडेंट जो वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव वो मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, या दो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, जैसे अगर इसको हटा दे तो ये लीनियर हो जाएगा, क्योंकि
दो चीज देखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का डिग्री वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं हो या दो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं हो। तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल जेड का डिग्री वन है, इस डेरिवेटिव का भी डिग्री वन है, इस डेरिवेटिव का डिग्री भी वन है, साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड में भी नहीं है, दो डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड में नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ये लीनियर का एग्जांपल हो गया, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल हो गया। अब और दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। सपोज कीजिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले फर्स्ट चेक कीजिए, डिपेंडेंट वेरिएबल कहीं अगर है तो उसका डिग्री वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर है तो इसका डिग्री वन है। अब फिर चेक कीजिए कि डिपेंडेंट डेरिवेटिव जो है, पार्शियल डेरिवेटिव, उसका भी डिग्री एक्स वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव यहां पर है, इसका भी डिग्री वन से ज्यादा नहीं है, वन है। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसका भी डिग्री एक से ज्यादा नहीं है। उसके बाद तीसरा चीज चेक कीजिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव तो मल्टीप्लाई में नहीं है ना। तो देखिए यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल जेड कहीं किसी भी डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, जेड मल्टीप्लाई में नहीं है डेरिवेटिव के साथ। उसके बाद चौथा चीज चेक कीजिए कि दो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है क्या। तो यहां पर कोई भी दो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा एग्जांपल हम लोग, डेल क्यू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स क्यू प्लस टू डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई प्लस एक्स वाई इंटू जेड इक्वल टू जीरो। ये भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिपेंडेंट वेरिएबल जेड, डेरिवेटिव जो भी है, यहां दो डेरिवेटिव है, ये सभी डिग्री वन का है, डेरिवेटिव कोई भी दो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल किसी डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का रहेगा। अब जरा एक और चीज देखिए, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर इज कॉल्ड नॉन लीनियर। अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो आप यहां पर नॉन लीनियर के बारे में देखिए, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट डेल क्यू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स क्यू टू द पावर टू प्लस टू डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस एक्स वाई इंटू जेड इक्वल टू जीरो। ये नॉन लीनियर हुआ। क्यों नॉन लीनियर हुआ? क्योंकि जो डेरिवेटिव है उसका डिग्री वन से ज्यादा है, इसीलिए ये नॉन लीनियर हो गया। दूसरा एग्जांपल, डेल क्यू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स क्यू प्लस टू एक्स डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये भी नॉन लीनियर हो गया। कारण नॉन लीनियर हुआ क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल का डिग्री वन से ज्यादा है। तीसरा, डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू जेड डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। ये भी नॉन लीनियर हुआ। क्यों नॉन लीनियर हुआ? क्योंकि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल जेड और डेरिवेटिव दोनों मल्टीप्लाई में है, इसीलिए नॉन लीनियर हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल, डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स इन टू डेल टू जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू जेड एक्स डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। ये भी नॉन लीनियर हो गया। क्यों नॉन लीनियर है? क्योंकि दो डेरिवेटिव यहां पर मल्टीप्लाई में। तो ये चार चीजों का ध्यान दीजिएगा। पहला, कोई भी डेरिवेटिव का डिग्री वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वन से ज्यादा है तो नॉन लीनियर हो जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल जेड का डिग्री वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जेड का डिग्री जो है वो यहां टू है, नॉन लीनियर हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई में है तो नॉन लीनियर होगा। दो डेरिवेटिव पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, पार्शियल डेरिवेटिव, वो मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई में है तो नॉन लीनियर हो जाएगा।